नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको ये प्लाजो पैंट बनाना सिखाऊंगी। और इसका जो मेज़रमेंट है साइड में मैंने दे दिया है, वहाँ से चेक कर लेना। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है और कपड़े को इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर सारे मेज़रमेंट लेंगे। और इसके साथ जो कुर्ती है, मैं बाहर फ़ोटो लगा दूँगी, तो वो देखने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने उसकी अलग से वीडियो अपलोड की है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे की साइड से निशान लगा लेंगे। ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो नीचे से, उसके लिए, ताकि बराबर हो जाए। बाकी आप इसे कटिंग भी कर सकते हो साथ के साथ ही। तो ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड निशान लगाना होता है। 2.5 इंच यहाँ पर हम लेंगे फोल्ड के लिए, जो हम नीचे की साइड फोल्ड करते हैं उसके लिए। 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया 2.5 इंच पर। और अब मैं इसे सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। ये मैं बनाऊंगी फुल इलास्टिक वाली पैंट। और मैंने अलग अलग तरीके की पैंट अपनी वीडियोस में सिखाई है आपको बनानी पहले भी, जिसमें फुल इलास्टिक वाली भी है और हाफ़ इलास्टिक और हाफ़ बेल्ट वाली भी है, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी लेंथ है आपको उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे अपनी लेंथ का, ठीक है। पूरी लेंथ लेनी है, कम नहीं करना है, क्योंकि हम ये इलास्टिक वाला बनाएंगे तो हम ऊपर की साइड लेंगे इसमें बेल्ट के लिए। अब इसे आपको सीधा इस तरीके से मिला देना है। दूसरी साइड से भी आप इसी तरीके से अपनी लेंथ नाप लें, और लेंथ नापने के बाद आपको सीधा ही निशान मिला देना है इस तरीके से। नीचे की साइड हमने फोल्ड के लिए लिया है, जो नीचे से हम फोल्ड करते हैं, और ऊपर की साइड से आपने लंबाई नाप करके बस सीधा आपको निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें बेल्ट का निशान अलग से लगाएंगे, अलग से नहीं जोड़ेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपकी बेल्ट होगी, जैसे आपकी इलास्टिक है, क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाली बनाएंगे तो इलास्टिक की चौड़ाई से 1/2 इंच आपको ज़्यादा लेना है। तो मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 1 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो आपकी चौड़ाई जितनी भी हो इलास्टिक की, उससे आपको 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि इलास्टिक अलग अलग साइज़ में आती है हर जगह। तो इसलिए मैं ये बात आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच की है तो आपको 1.5 इंच लेना है, अगर इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच की है तो आपको 2.5 इंच लेना है, 1/2 इंच आपको ज़्यादा लेना है जितनी भी आपकी इलास्टिक होगी, ठीक है। अब बाकी जितना भी मेज़रमेंट है वो लगेंगे यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग। नीचे मैं दे दूँगी, आप देख लेना किस तरीके से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है। सारा जो यहाँ पर हिसाब किताब आपको लगाना है, सब हिप के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हिप हमारे हैं 36, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 आएगा, जिसमें हमें 2 प्लस करना है, तो 11 इंच पर हमें ये निशान लगाना है, ठीक है। हैवी साइज़ का मैंने पैंट अलग से बनानी दिखाई है, उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट हमें ज़्यादा लेना होता है, तो आप वीडियो देख सकते हो। और अब यहाँ का जो नाप होगा वो भी हिप के अकॉर्डिंग होगा। 36 हमारे हिप है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इसमें हमें करना है 2.5 प्लस। ऊपर हमने 2 प्लस किया इसलिए 11 इंच लिया है, नीचे हम इसमें इस वाले में करेंगे 2.5 इंच प्लस। ये आसन वाली साइड है, तो यहाँ पर हम 11.5 लेंगे। मेज़रमेंट मैंने नीचे दे दिया, आप अच्छे से चेक कर लेना। और बस ऊपर 11 लिया है, नीचे की साइड 11.5 लिया है। अब 2 इंच यहाँ पर ले मैंने आगे बढ़ा दिया है। और अभी जो टोटल हमारी चौड़ाई होगी इसे हम नाप लेंगे, तो इसके हम सेंटर में निशान लगा देंगे, इसे सीधा निशान लगा देंगे और सेंटर का नाप लगा करके हमें बाकी का इसमें मेज़रमेंट करना है, ठीक है। तो अब इसमें बीच में बिल्कुल सेंटर में आप निशान लगा दें, जितना भी आपने निशान लगाया था। और अब नीचे तक हम इसी निशान के हिसाब से निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोहरी होगी वो हम सेंटर के अकॉर्डिंग ही मोहरी का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आप यहाँ पर मोहरी जितना भी लेना चाहते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। अब हमें सेंटर का ध्यान रखते हुए 1/2 इंच दोनों की साइड लेना है। मान लो हमें 8 इंच मोहरी चाहिए, तो 4 इंच इधर लगाएंगे और 4 इंच हम इधर लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटर को ध्यान रखते हुए हमें निशान लगाना है, ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारा निशान आए।
तो ये देखिए हमने निशान यहाँ पे लगा दिया है, और जितना भी आपको लेना है आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अभी इस निशान से इस निशान तक हमें नीचे तक मिला देना है, इसे इस तरीके से मिला देंगे। मेज़रमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लें और ऐसे ही आप बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट आपकी पैंट बनेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी है। और जैसे हैवी साइज़ होता है उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसमें थोड़ा सा मेज़रमेंट अलग आपको लेना पड़ता है। नॉर्मल साइज़ के लिए इस तरह से आप बनाएं और हैवी साइज़ के लिए मैंने अलग से बताया है। और मियानी लगानी बहुत ज़रूरी होती हैवी साइज़ में, तो ही आपको परफेक्ट आएगा। अब मैंने शेप दे दी है आर्म होल की और अब मैं इसे कटिंग कर दूंगी। तो ये हो जाएंगे हमारे फ्रंट के दो पार्ट, इस तरीके से हमें कट करने होंगे। और 2 मीटर कपड़े में आराम से आपका पैंट बन करके रेडी हो जाता है। और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करते हो। देखो गर्मियों के टाइम पे आप हमेशा कॉटन फैब्रिक ही यूज़ करें, सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। बाकी तो आपकी इच्छा, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, पर गर्मियों में तो स्पेशली आप कॉटन ही लें। और जैसे बिगनर होते हैं, बिगनर के लिए ज़रूरी है कि कॉटन फैब्रिक पर ही आप सिलाई करो, बहुत इजी हो जाता है सिलाई करना। तो अब यहाँ से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके इसे इसके ऊपर रख दिया है। और अब यहाँ से आगे की साइड से, ये जो हमारा आसन वाली साइड होती है, यहाँ से हमें बढ़ाना होता है। 2.5 इंच हम बढ़ाएंगे, 2.5 इंच आप रखोगे ना बिल्कुल परफेक्ट आपकी पैंट बनेगी, बिल्कुल भी आपको ना तो लूज़ होने वाली है ना ही टाइट होने वाली है। 2.5 इंच आप लें, हैवी साइज़ में आप 3 इंच तक भी ले सकते हो, नॉर्मल इंच में, नॉर्मल साइज़ में आप 2.5 इंच लें तो परफेक्ट रहेगा। केवल इस साइड से हम बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, सेम रखना है। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे पूरे में नीचे तक। उसके बाद जो कुर्ती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती मैंने बनानी सिखाई है, उसमें बाजू पर भी डिज़ाइन बनाया है और आप उसे ज़रूर से देखना, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये देखिए पूरे में 2.5 इंच हमने निशान लगा दिया। अभी से हम सीधा इस तरीके से मिला देंगे। जो बैक साइड होता है उसमें हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड में मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया था सिलाई के लिए, इसलिए हम बैक साइड में मार्जिन लेंगे। अब ऊपर से 2 इंच हम बढ़ा देंगे, मैं कपड़ा थोड़ा नीचा करके दिखाऊंगी। 2 इंच हमें ऊपर की साइड से ऐसे बढ़ा देना है। और अब इसे तिरछा हम मिलाएंगे इस तरीके से। अब पीछे की साइड से हमने 2 इंच इसलिए रखा है क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है, पीछे की साइड से हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो और हमारी सिलाई ना निकले। ये बराबर कभी नहीं करना चाहिए, पीछे की साइड से ज़्यादा करना चाहिए हमें, 2 इंच या 2.5 इंच आप ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। अब बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप इसे कटिंग कर दो। ऊपर से हमने 2 इंच लिया, बाकी हमने 2.5 इंच लिया है नीचे तक, ठीक है, ये हमने बढ़ाया है। तो सिलाई मार्जिन भी इसी में आ जाएगा और बहुत ही परफेक्ट आपकी यहाँ पर पैंट बन करके रेडी होगी। तो इस तरीके से आपको ये कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट और बैक के 2 पार्ट रेडी हो गए हैं। और इसके साथ ही आप चाहो तो पॉकेट वाले भी बना सकते हो, चाहे तो बिना पॉकेट के भी आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब हम इसे सिलाई कर देंगे। फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं उन्हें आपस में सिलेंगे और जो बैक के 2 पार्ट हैं उन्हें हम आपस में सिलेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में, एक साथ ही आप सिलाई लगा दें और बहुत ही इजीली आप इस तरह की पैंट बना सकते हो, परफेक्ट बिल्कुल एकदम, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। और इसके साथ ही मेरा सेकंड चैनल भी है मीनाक्षी लाइफस्टाइल, उसमें मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप तो आप देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखिए एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी, जो फुल इलास्टिक होती है उसमें थोड़ा अलग तरीके से पॉकेट लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से निशान लगा लें कि जब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट लगाएंगे तो जगह कितनी बचेगी। तो 1/2 इंच ऊपर करके हमें यहाँ पर अपनी पॉकेट लगाने, ताकि हमारा जो ऊपर वाली साइड है वो हमारी अपनी बेल्ट के अंदर आ जाए और ऊपर से वो बंद हो जाए, ठीक है। तो बेल्ट आपके कितने तक आएगी उसमें आपको नाप करके निशान लगाना है और उससे 1/2 इंच ऊपर आपको यहाँ पर अपनी पॉकेट को जोड़ना है। पॉकेट कटिंग करनी मैंने अलग से नहीं बताई क्योंकि सेपरेट वीडियोस पे मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से पॉकेट का कपड़ा रखना है, ये देखो इस तरीके से ऊपर करके,
और अब यहाँ से 2 इंच पर हमें निशान लगाना है ऊपर की साइड, और यहाँ से 6 से 6.5 इंच पे आप निशान लगा लें। ये पॉकेट का मुंह बनाने के लिए मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। कपड़ा रखने का तरीका आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने रखा है, क्योंकि हम पॉकेट बनाते हैं हमें कपड़ा कैसे रखना है बस इसी का आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ईजी है पॉकेट लगाना। तो ये देखिए सीधा सीधा हम इस पर सिलाई कर देंगे, यहाँ तक लाएंगे और फिर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी, एक कट हम इस तरीके से लगाएंगे तिरछा करके, ऐसे लगाया। अब इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर इसे बाहर की साइड निकाल देंगे ऐसे करके, और इसे आप अपने नाखून से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लें ऐसे, और एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लाना है और फिर यहाँ पर रोक करके आपको सीधी सिलाई ऐसे लगा देनी है। थोड़ा सा आपको नाखून से इसे प्रेस करना है और फिर आप सीधी इसमें सिलाई लगा दें, और फिनिशिंग देखो धीरे धीरे आती है। अगर आप बिगनर हो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फिनिशिंग नहीं आती है, तो देखो फिनिशिंग धीरे धीरे आएगी। तो अब देखो कपड़ा मैंने किस तरीके से फोल्ड किया, अब नीचे की साइड से आप इसमें सिलाई लगा दें यहाँ पर। कपड़ा रखने का तरीका देख लो आप, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि पॉकेट जब हम लगाते हैं तो कपड़ा किस तरीके से हमें रखना है, कैसे किस साइड से रखना है, उल्टा सीधा, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से रख दोगे तो फिर आपको दोबारा से सिलाई निकाल के दोबारा से करना पड़ेगा। अब एक सिलाई में इसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पक्की हो जाए। आप इसमें कुछ भी सामान रखोगे तो जल्दी से ये इसकी सिलाई नहीं निकलेगी। आप जितना सिलाई करोगे ना फिनिशिंग अपने आप आती जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी पॉकेट हो गई है, कितनी इजी हमारी पॉकेट बन करके रेडी हो गई। ये देखिए आप ऐसे नीचे की साइड से हमने इसे बंद कर दिया है, और ऊपर की साइड से बेल्ट लगाएंगे तो बंद हो जाएगा, साइड से हम जब बैक पार्ट लगाएंगे तब ये बंद हो जाएगा और रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है रेडी, और अब हम इसमें लगाएंगे अपना बैक साइड उठाएंगे, दोनों पॉकेट मैंने लगा दी है। अब यहाँ से हम साथ में इस तरीके से करके इसमें सिलाई लगाएंगे पूरे में, दोनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट। इस तरीके से रख कर के आपको इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल बराबर से आपको कपड़े को रखना है और फिर पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है, ये उंगली से मैं प्रेस करके देख रही हूँ देखो यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉकेट का जो मुँह है वो आपको बंद नहीं करना है। जो हमारी सिलाई ना पॉकेट वाली, क्योंकि वो डबल सिलाई है तो आप टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैसे दिखने से ही पता चल जाता है, तो आपको वो सिलाई छोड़ करके बिल्कुल साइड साइड में सिलाई लगानी है। तो सीधा हम इसे नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई करने के बाद अब हम अपनी बेल्ट जोड़ेंगे यहाँ पर, नीचे तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। और अब बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड में हम निशान लगाएंगे। देखो बैक में होता है ना निशान कपड़े के, पर हम यहाँ पर फ्रंट साइड में निशान लगाएंगे ताकि हमें इसे फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो अब देखो इस तरीके से इसे फोल्ड करके जब हम निशान लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, तो हमें पता रहेगा हमें कितना फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक ली है, जितनी आपकी कमर है उससे केवल 2 इंच आपको कम करके इलास्टिक लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम छोड़ देंगे ताकि हम इलास्टिक इसके अंदर डाल पाएँ, और बाद में हम इसे इलास्टिक डालने के बाद बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर खींच करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल बराबर से आपको खींच खींच करके ये सिलाई लगा देनी है, और इलास्टिक यहाँ पर हमारी बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब नीचे की साइड से फोल्ड करके इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। और ये जो फिटिंग की सिलाई है ये आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो ताकि ये जल्दी से ना निकले।
आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो इजी स्टिचिंग के नाम से ही है, आप वहाँ पर सर्च करें तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पैंट बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है, और इस तरह से आप बनाइए और फिर मुझे ज़रूर से बताइए कि आपकी पैंट कैसी बनी। और ये देखिए इसके साथ जो कुर्ती है यहाँ पर, इस तरह की मैंने इसकी कुर्ती बनाई है, और नीचे की साइड से ये पैंट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो। इस कुर्ती की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।